अपने साथ एक बैड एक्सपीरियंस होने के बाद एक डॉक्टर न्यू बिल्डिंग में मूव होती है, पर ये बिल्डिंग उससे भी ज्यादा दर्दनाक होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द रेजिडेंट 2011 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी हमेशा आपको आपके सीट के एज पर रखती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जूलियट ही हमसे इंट्रोड्यूस होती है। एक डॉक्टर है और हॉस्पिटल की ईआर डिपार्टमेंट में काम करती है। इसका मतलब है कोई भी इमरजेंसी जैसे कि एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब उसे ट्रीट करने पड़ते हैं। आज रात घर आकर उसने सोने की कोशिश की पर वो सो नहीं पा रही थी। अभी रिसेंटली उसके साथ कुछ हुआ है जिसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अलग अलग अपार्टमेंट्स उसने ढूंढे पर ये न्यूयॉर्क है, यहाँ पर स्पेस की बहुत सारी कमी है और उसके बजट में उसे सही से अपार्टमेंट मिल नहीं रही थी। फाइनली एक जगह से उसे कॉल आया, ये वो देखने के लिए गई। वहाँ हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मैक्स ये रिनोवेशन कर रहा था। एक्चुअली इस पूरी बिल्डिंग का ओनर वही है। जूलियट ने घर देखा तो बहुत ही बड़ा था, तो उसे लगता है कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी, पर इसका रेंट बहुत ही कम है। वो मैक्स से पूछती है इतना कम क्यों। मैक्स ने कहा कि यहाँ बहुत हीट होती है, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उस टाइप का है, बिल्डिंग के नीचे से अंडरग्राउंड ट्रेन्स भी जाती है, इस वजह से सब कुछ बिल्डिंग वाइब्रेट कर सकती है। पूरी बिल्डिंग का रिनोवेशन चल रहा था तो थोड़े दिनों के लिए तकलीफ हो सकती है। जूलियट मैक्स से कहती है कि मैं ईआर की डॉक्टर हूँ। जब भी वो सोती है तो बहुत ही डीप स्लीप लेती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अपार्टमेंट उसने फाइनलाइज कर दिए। जूलियट का सामान वगैरह मूव करने में मैक्स उसकी हेल्प करता है। मूव करते वक्त जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर से मिली, ये बहुत ही क्रीपी टाइप थे। वो उसे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई पेट्स है, यहाँ पर कोई भी पेट्स अलाउड नहीं। जूलियट कहती कि नहीं, जूलियट के पास कोई भी पेट नहीं था। ग्रैंडफादर को ज़्यादा आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती तो वो भी जूलियट नहीं करेगी। इस अजीब सी मीटिंग के बाद जूलियट इस घर में मूव हो गई। रात में अपार्टमेंट में उसे बहुत ही अजीब लगता है, जैसे कि उस पर कोई नजर रख रहा है। ये उसका न्यू अपार्टमेंट है तो शायद इसी वजह से लग रहा है, ये सोचकर वो इसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन जब वो घर आई तो उसके डोर के सामने कुछ गिफ्ट रखे हुए थे। इसे लगा कि गिफ्ट मैक्स ने दिए हैं। नेक्स्ट दिन में जब वो फिर से काम पर थी तो उसकी फ्रेंड उसे बाहर चलने के लिए इनवाइट करती है। जूलियट ने इसके लिए मना कर दिया। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया, इस वजह से तुम इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है जूलियट के रोमियो ने उसे धोखा दिया था। धोखा होने के बाद जूलियट खुद पर ही शक करती है, उसे लगता है कि उसके लिए इनफ नहीं थी। उसकी फ्रेंड ने कहा कि वो घटिया आदमी था, तुम्हें उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब मूव ऑन करना चाहिए। जूलियट जब घर पर आई तो मैक्स से मिलती है। गिफ्ट देने के लिए उसने मैक्स को थैंक यू कहा। मैक्स कहता है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिए, ये एक्चुअल में ग्रैंडपा ने दिए हुए थे। जूलियट फिर ग्रैंडपा को थैंक यू कहने के लिए गई। ग्रैंडपा अकेले पड़ जाते हैं तो जूलियट की कंपनी चाहते थे, पर जूलियट कहती है कि मैं ज़रा बिजी हूँ और वहाँ से चली गई अपनी फ्रेंड की बात मानकर। एक दिन जूलियट उसके साथ आर्ट गैलरी में गई हुई थी, वही पर वो मैक्स से टकराई। जूलियट मैक्स से कहती है क्या हम घर तक वॉक कर सकते हैं, मैक्स को भी उसके साथ होना अच्छा लगता है। इन दोनों ने फिर चलते चलते अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की। एक्चुअली जूलियट के पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट थे, ऐसे ही कंडीशन में उसने एजुकेशन लिया और वो डॉक्टर बनी। मैक्स और जूलियट ही एक दूसरे से अच्छे घुल मिल रहे थे, ये सब जूलियट के एक्स ने देख लिया, उसका नाम है जैक। घर आने पर जूलियट मैक्स को किस करने लग गए, मैक्स जरा दूर हो जाता है। जूलियट को एम्बेरस लगा, कहती है ये शायद बुरा आइडिया है, वो एक टेनेंट है और ओनर के साथ अगर उसने कोई भी रिलेशनशिप रखी और कुछ गड़बड़ हो गए तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा। रात में जूलियट जब बात ले रही थी तो बात में ही एक होल है, उस होल से उसे कोई देख रहा था। उसे महसूस हुआ खिड़की के पास कोई है, उसने चेक किया तो खिड़की खुली थी पर वहाँ कोई भी नहीं था। नेक्स्ट डे मैक्स जूलियट को कॉल करता है, कहता है कल हमारे बीच जरा ऑकवर्ड हो गया, आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ, ये जूलियट को अच्छा लगता है। डिनर पर जूलियट मैक्स से कहती है कि तुम्हारी वजह से इस बिल्डिंग में मुझे घर की तरह लग रहा है। उसने उसे पूछा कि आज तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई।
मैक्स कहता है मेरी कभी सीरियस रिलेशनशिप थी ही नहीं, वो हमेशा इस बिल्डिंग का ख्याल रखता है, बाद में अपने ग्रैंडफादर का, उसे कोई समझ सके ऐसा कोई कभी मिला नहीं। इनका डिनर खत्म होने के बाद ये फिर से नजदीक आ रहे थे। पुजुलेट कहती है एक बैड आइडिया है। डोर बंद करने के बाद फिर से ओपन कर वो बाहर आ जाती है। मैक्स भी उसका ही वेट कर रहा था। ये दोनों अंदर जाकर इंटीमेट होने लग जाते हैं। बेड में अचानक जूलियट को जरा अनकंफर्टेबल लगने लग गया। वो कहती है मैं हमेशा से मेरे एक्स के साथ ही थी, मुझे सिर्फ उसी की आदत है, ये सब करना उसके लिए बहुत ही हार्ड है। मैक्स भी सब कुछ समझ गया और यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें मैक्स के बारे में पता चलता है, वो जूलियट को बहुत ही पहले से जानता था। एक दिन जब वो अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल में गया था तो वहीं पर उसने जूलियट को देखा। जूलियट उसे बहुत अच्छी लगी थी। उसने नोटिस बोर्ड पर देखा कि जूलियट को एक अपार्टमेंट चाहिए, इसी वजह से उसने खुद से कॉल किया था। उसे देखने के बाद हमेशा उस पर वो नजर रख रहा था। ये बिल्डिंग भी बहुत ही पुरानी और अजीब बिल्डिंग है। मैक्स एक्चुअल में वॉल्स के पीछे से जूलियट के पूरे घर को देख सकता है। हमने प्रीवियस सीन में देखा कि जूलियट को बात लेता हुआ वो देख रहा था, ये और कोई नहीं तो मैक्स है। जूलियट को हमेशा लगता है कि उसके घर में कोई ना कोई है, तो एक्चुअल में मैक्स ही उसके घर में घुस आता है। जब वो सो रही होती है तो उस पर नजर रखता है। अगले दिन मैक्स जब ग्रैंडपा को मेडिसिन दे रहा था तो ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है, तुम भी तुम्हारे फादर की तरह एक परवर्ट हो, वो एक वीक आदमी थे। तुम्हारी मदर बहुत ही ब्यूटीफुल थी पर उसका डिसीजन गलत निकला, तुम भी तुम्हारे फादर की तरह ही वीक निकले। इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है ये मैक्स जो जूलियट के साथ अब कर रहा है यही चीज उसने और भी लड़कियों के साथ की है। उसके ग्रैंडफादर इसके लिए उसे हेट करते हैं। शायद मैक्स के फादर भी इसी तरीके की चीजें करते थे। मैक्स को इन सब बातों से बहुत तकलीफ होती है। अगले दिन उसने जूलियट का फिर से पीछा किया। वाइन शॉप में उसे टकरा कर प्रिटेंड करता है कि उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। जूलियट मैक्स से कल रात के लिए सॉरी कहती है। उसने कहा कि हमारे बीच रिलेशनशिप होना एक गलत आइडिया है। मैक्स भी उसके सामने मान जाता है पर उसे इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला। आज रात जब जूलियट सो रही थी तो मैक्स उसके रूम में आकर उसे किस करता है। जूलियट थोड़ी देर में नींद से उठ गई। उसने किचन में जाकर देखा तो नोटिस करती है कि वह हॉलो स्पेस है। अगले दिन उसने मैक्स को इसके बारे में बताया। यहाँ पर वाइन वगैरह रखने के लिए एक्स्ट्रा रूम था। एक्चुअल में इस रूम से होकर मैक्स उसके घर में घुस सकता था। जूलियट को अभी भी इसके बारे में पता नहीं। इस रूम का काम करने के लिए मैक्स पूरा दिन इसी घर में रुका। जूलियट की अलग अलग चीजें यूज करता है, अपने आप को प्लीज कर रहा था। जूलियट को उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक ये बहुत दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा है। आज उसे फिर से मैसेज करता है तो जूलियट उसे आज मिलने के लिए रेडी थी। उनके लिए वो डिनर बनाने वाली है तो सब कुछ सामान लेकर घर पर आए। मैक्स का काम अब खत्म हो चुका था। वो कहता है मैं तुम्हें डिनर बनाने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। जूलियट इसे मना कर देती है। मैक्स ने कहा कि हमारे बीच चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत ये तुमने की थी। जूलियट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा कि हम दोनों को डेट करना अच्छा आइडिया नहीं। मैक्स कहता है अगर तुम मुझे छोड़ने वाली थी तो तुम्हें स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। जूलियट का जब ध्यान नहीं था तो मैक्स फिर से अपार्टमेंट में पहुंच गया था। उसके सब मोबाइल वगैरह सब कुछ उसने चेक किया। उसे जैक के बारे में पता चला, वो अपार्टमेंट में ही था तभी जैक वहां पहुंच जाता है। जैक के पास एक छोटा सा डॉग है। डॉग ने घर में मैक्स को देखा और वो बाग करने लगता है। मैक्स जल्दी से यहाँ से भाग गया। जैक ने जूलियट से सॉरी कहा। वो कहता है तुम्हारे बिना मैं बर्बाद हो चुका हूँ। वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस करता है। जूलियट भी उसे कहती है कि मैं किसी के और के साथ नहीं हो सकती। ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जैक को मॉर्निंग में जल्दी उठना था तो घर चला गया। जूलियट जरा वाइन लेती है, उसके बाद वो बेहोश होकर सो गई। एक्चुअल में हमेशा से मैक्स जूलियट की वाइन में ड्रग मिलाता है, इसी वजह से वो कभी भी रात में उठती नहीं, उसके पास आकर उस पर नजर रख सकता है, उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। हर रात बेहोश होने की वजह से जूलियट जरा लेट उठती थी, उसकी स्लीप भी कंप्लीट नहीं होती थी, तो इस बात से वो डिस्टर्ब हो गई। उसे लगता है कि उसके अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
उसने फिर अपने पूरे अपार्टमेंट में हिडन सिक्योरिटी कैमरेज लगा दिए। अगर अपार्टमेंट में कुछ भी मूव होता है तो इसे नोटिफिकेशन आएगी। इस कैमरेज में नाइट विजन भी है, यानी कि अंधेरे में भी उसे सब कुछ दिखेगा। इन कैमरेज के बारे में मैक्स को कुछ भी पता नहीं था। मैक्स अपने ग्रैंडफादर का ख्याल रखते हुए तंग आ गया था, तो एक दिन ड्रग का ओवरडोज कर उन्हें वो मार डालता है। जूलियट और जैक ये रेगुलरली एक दूसरे से मिलने लग गए थे, तो ये सब देखकर मैक्स बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गया। मैक्स जैक का पीछा करता है, उसने सीढ़ियों से उसे नीचे गिरा दिया। आज रात मैक्स फिर से जूलियट के पास आया, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, तभी जूलियट की आँख खुल जाती है। वो इस बार उसे सिरिंज से ड्रग कर देता है। अगली सुबह जूलियट फिर से लेट हो चुकी थी। उसने बेडरूम में सिरिंज के ऊपर का कवर नोटिस किया। उसे शक आता है। वो अपना ब्लड और यूरिन सैंपल हॉस्पिटल में चेक करने के लिए देती है। यहाँ पर उसे पता चल गया कि उसे कोई ड्रग करता है। जैक आज उसके अपार्टमेंट में जाने वाला था, तो जूलियट उसे कॉल करती है, कहती है कि प्लीज वहाँ जाना मत। पर जैक ने इसे पिकअप नहीं किया। वो अपार्टमेंट में सब चीज़ें देख रहा था, तभी उसे एक रास्ता मिल गया। ये वही वे है जहाँ से मैक्स जूलियट के अपार्टमेंट में इंटर होता है। जैक जब ये सब देख रहा था तो मैक्स उसके पीछे ही था। अब इसके बाद क्या हुआ यह हमें आगे पता चलेगा। जूलियट जैक को ढूंढते हुए जल्दी से अपने अपार्टमेंट में आ गई। फिर वो कल रात का सिक्योरिटी फुटेज अपने कंप्यूटर पर चेक करती है। उसने देखा कि मैक्स ने उसका कल रात रेप किया था। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। तभी मैक्स घर में इंटर हो गया। उसके सामने दिखा नहीं सकती कि उसे सब कुछ पता चल गया है। वो सावधान हो गई। मैक्स को दिखाना नहीं चाहती थी कि उसे सब कुछ पता है। मैक्स ने फिर से जूलियट के लिए वाइन लाई है। इस बार वो खुद भी इस वाइन को पी रहा था। जूलियट डिस्टर्ब दिख रही थी, तो उसे वो पूछ लेता है। जूलियट कहती है, आजकल मेरी नींद अच्छे से हो नहीं रही। जूलियट उठकर फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, और मैक्स उससे फ़ोन ले लेता है। वो कहता है, तुम उसे कॉल क्यों करना चाहते हो? उसने तुम पर चीट किया था। मैक्स ने जूलियट को पकड़ा और बैठने के लिए कहा। जूलियट डर गई थी, पूछती है कि वो है कहाँ। मैक्स सिरिंज लेकर फिर से जूलियट को ड्रग करने की कोशिश करता है। ये वो सक्सेसफुली कर नहीं पाया। जूलियट के हाथ में एक चाकू था, इससे उसने मैक्स पर वार किया। वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मैक्स ने पूरे घर को लॉक कर दिया था। ड्रग की वजह से उसे नींद ना आए, इसलिए उसने अलग अलग गोलियाँ ली। मैक्स फिर से घर के अंदर आ गया। उसे बेड के पास पकड़ लेता है। जूलियट जल्दी से उसे मार कर बाथरूम में छुप जाती है। बाथरूम के मिरर से भी कुछ आवाज आ रही थी। एक्चुअली मिरर के पीछे मैक्स सब कुछ देख सकता था। मिरर तोड़कर जूलियट को अंदर खींच लेता है। जूलियट मिरर के ही कांच से मैक्स पर वार करती है। इन टनल्स में से वो भाग रही थी। मैक्स कहता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। जूलियट ने आसपास सारी चीजें देखी, तो उसे एक नेल पंचर मिल गया। मैक्स उसे कहीं भी नहीं दिखता। मैक्स उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो जब उसके पास आया तो जूलियट ने नेल्स उसके बॉडी में पंच कर दिए। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुका था, पर फिर भी उसका पीछा करता है। जूलियट भागते भागते एक स्टोर रूम में आ गई थी। वहीं पर वो जैक की बॉडी पाती है। जैक ने जब मैक्स का वेट ढूंढा था, तब मैक्स ने उसे मार डाला। मैक्स फिर से जूलियट के पास पहुंच गया था। इस बार बहुत सारे वार कर जूलियट फाइनली उसे मार डालती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो गया। दिखने में लोग कितने भी नॉर्मल लगे, पर उसके अंदर क्या चल रहा है ये कोई भी बता नहीं सकता। सावधान रहे, सतर्क रहे। फिर से मिलेंगे क्राइम पेट्रोल के और एक एपिसोड में। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।